रॉन्ग साइड में क्यों जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। व्हाट्स हैपेंड? तो गाइस गाना बंद करता हूँ और दिखाता हूँ किस हिसाब से तैयारी चल रही है। सो अभी बर्तन माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सभी का? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस अभी हो चुका हूँ मैं डैडी फुल और हम जा रहे हैं मॉडल टाउन, जो कि एक काम से आ रहे हैं और वहाँ जाकर आपको दिखाता हूँ। सो गाइस पहले ही मॉडल टाउन जा चुका हूँ, उस साइड जहांगीरपुरी साइड है मॉडल टाउन। सो चलते हैं, लेट्स गो। बोल भी जा रहा है हमारे साथ, तो ये अभी घर में हेलमेट पहन रहा है क्योंकि यार ये सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, तो आप लोग भी रखें यार। अगर बाइक पर राइड कर रहे हैं तो हेलमेट और कार पर तो सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें। और लेट्स गो गाइस। गाइस वी आर रेडी टू गो अवर डेस्टिनेशन। तो वो भी पीछे बैठ चुका है और यहाँ से लगाता हूँ मैं फ़ोन यहाँ पे माउंट में और फिर दिखाता हूँ आपको। क्यों घर से मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यार एक ही व्यू दे दे के आप पक गए होंगे, तो आपको सीधा हाईवे का व्यू दिखाता हूँ। तो अटैच करते हैं फ़ोन को और लेट्स गो। So let's go guys. सो गोलू ने गूगल मैप खोल लिया है क्योंकि हमें यार अभी रास्ते इतने नहीं पता और उस साइड के तो खास कर नहीं पता। सो गाइस बाइक को पावर मोड पे डाल दिया। रॉन्ग साइड में क्यों जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। व्हाट्स हैपेंड? तो गाइस 100 चली गई पहली बार, ये बाइक 100 गई। सो गाइस आई थिंक आगे एक्सीडेंट हो गया। सो गाइस ये कार देखो रॉन्ग साइड में आ रही वापस। पता नहीं क्या सीन है। लेट मी गेस गाइस, आई थिंक जाम की वजह से। तो गाइस अब समझ में आया वो बंदे वापस क्यों जा रहे थे, इसी जाम के चक्कर में गाइस वो वापस जा रहे थे। तो गाइस फाइनली वी रीच अवर डेस्टिनेशन, मॉडल टाउन पहुंच चुके हैं और जल्दी से अपना काम फिनिश करते हैं और फिर चलते हैं वापस घर के लिए। A few moments later. So guys, बाल देख सकते हो क्या हालत हो गई है बालों की, हेलमेट लगा के। सो हमारा काम डन हो गया है, अब जा रही है वापस अपने घर की ओर। सो लेट्स गो गाइस चलते हैं। तो गाइस हम चलते हैं वापस नोएडा। गाइस यहां से अप्रॉक्स हमें 40-50 मिनट लग जाएंगे घर जाने में। माफी है न साथी है हमें भी याद आती है। सो गाइस ये सॉन्ग है अनुराग सरकार जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा है,
वही गाना मैं गुनगुनाते रहता हूँ। ये हमारा इंडियन फ्लैग। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 2:43 और हमें टाइम लग जाएगा अप्रॉक्स 3:30 तक हम घर पहुंच जाएंगे। बता अभी टाइम हो रहा है 3:21 और हम घर पहुंच चुके हैं। तो टाइम हो रहा है 7:50 और गोलू भी गाने बजाने में लगा है छठ पूजा के। सो गाइस हमारा महापर्व आ गया है, महा फेस्टिवल कह सकते हैं छठ पूजा, जो कि आज से स्टार्टिंग हो गई है उसकी। सो परसों है छठ पूजा, सो उसकी तैयारी चल रही है, मम्मी भी अभी तैयारी करने में लगी पड़ी है। सो आज नहा खाया है, छठ पूजा की स्टार्टिंग हो गई आज से, और आज के दिन कद्दू और चावल खाते हैं। और नहा खाए मीन्स नहाने के बाद खाना खाते हैं। आज होता है शुद्धि का दिन, कल से खरना हो जाएगा और उसके बाद शाम का सूरज डूबते हुए सूरज को पूजा करेंगे और उसके अगले दिन उगते हुए सूरज की पूजा करेंगे 4 बजे। सो आगे आने वाले 2-3 ब्लॉग काफी अच्छे होने वाले हैं, सो ब्लॉग्स देखते रहने कंटिन्यू, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, जो भी बिहार से हैं वो बंदे भी और बाकी बंदों को भी दिखाऊंगा। सो गाइस देखते हैं। तो गाइस गाना बंद करता हूँ और दिखाता हूँ किस हिसाब से तैयारी चल रही है। सो अभी बर्तन वर्तन धोए जा रहे हैं, जो कि अलग बर्तन होते हैं छठ पूजा में ही निकाले जाते हैं और इन बर्तनों में ही बनाया जाता है सामान जो भी छठ पूजा का होता है। यहाँ पे गोलू लगा है मम्मी की हेल्प करवाने में, सो इनको धो लिया है। अब इसको नीचे लेके जाएंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे वो और तो मुझे कल इसमें पकवान बनेंगे। इसमें ठेकुआ बनाया जाएगा, तो कल का व्लॉग देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। सो इसको नीचे लेके चलते हैं और फिर। सो गाइस खाना पीना हो गया है डन और अब लगते हैं एडिटिंग पे और वीडियो करता हूँ मैं अपलोड और कल की टाइमिंग लगाता हूँ 12 बजे की और मिलता हूँ कल आपसे एक और बेहतरीन व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी गाइस, बाय बाय। और हाँ गाइस अभी 2-3 दिन छठ पूजा का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी उसमें, सो सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको और बाय बाय गाइस, बाय, लव यू। बहकी सभी जुबा है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा